चैप्टर 14 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चों कि कैसे भी करके एक पर्सन से जो भी उसके मन की जो फीलिंग्स है या उसके थॉट्स हैं या उसकी जो बात है वो दूसरे इंसान तक पहुंच जाए, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या दो तरह से होता है, एक तो ओरल होता है, एक रिटन होता है। ओरल जब अपन बोल के बता रहे हैं और रिटन जब हम लिखकर बता रहे हैं। उसके अलग अलग मोड हैं, हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आप अपनी बात कहने के लिए क्या यूज़ करते हो, आप टेलीफोन का यूज़ करते हो, कई बार लेटर का यूज़ करते हो, और जैसे कोई न्यूज़ से हमें टेलीविज़न से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो भी अपनी जो थॉट्स है वो हमें बता रहा है, बुक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, कम्युनिकेशन है। लेट पढ़ते हैं हम आगे। वी ऑल नीड टू टॉक, हर हम चाहते हैं कि हम बात करें, हम बिना बात करे रह नहीं सकते। टू अदर्स, हमें दूसरों से अपनी बात करनी ही होती है। एंड शेयर आवर थॉट्स, और क्या करना है, हमारे थॉट्स मतलब हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो, और हमारी फीलिंग्स हमारी भावनाओं को दूसरों को बताना है। व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन, जब हम किसी से बात करते हैं या लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है बच्चों। व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, जब हम किसी से बात करते हैं या लिखते हैं किसी को तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये जो बात करने के लिए लिखने के लिए आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उसे बोलेंगे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एनीथिंग, कुछ भी दैट वी यूज़, जो हम यूज़ कर रहे हैं टू कम्युनिकेट, बात करने के लिए विद अदर, इज़ कॉल्ड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसे क्या कहेंगे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दीज मीन्स हैव चेंज विद टाइम, और समय के साथ जो मीन्स है ये बदलते जा रहे हैं। तो पहले किसी और तरीके से बात होती थी, आज किसी और तरीके से बात होती है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, अर्लियर स्पेशल पीजन, कुछ स्पेशल पीजन्स कबूतर पाले जाते थे कॉल्ड होमिंग पीजन्स, व यूज टू सेंड मैसेज, वो मैसेज सेंड करने के लिए काम आते थे। इन द ओल्डन डेज, और जब हम बात करें ओल्डन डेज की, तो इन द ओल्डन डेज पीपल सेंड मैसेजेस टू ईच अदर थ्रू मैसेंजर्स, पहले क्या करते थे वो एक दूसरे को मैसेज भेजते थे, किससे, मैसेंजर की सहायता से, मतलब किसी इंसान को पैसे देके या कुछ भी देके, भाई हमारी बात उनसे कह देना। पीजन्स कबूतर के द्वारा, ड्रम बीट्स, बड़ा सा ड्रम ले लेते हैं, सब जाते थे सुनो 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 राजा ने ये कहा है कि आज सबको वहाँ आना है। एंड स्मोक सिग्नल, स्मोक सिग्नल्स क्या करते हैं, वो एक स्मोक सिग्नल, भाई जैसे कोई लड़ाई हो रही है किससे कहना कि भाई शांति चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ग्रे वाइट कलर का धुआं छोड़ देंगे भाई शांति हो जाए। हाउएवर दीज वर वेरी स्लो, ये काफ़ी स्लो थे, एंड समटाइम डिड नॉट रीच टू द पर्सन दे वर सेंड टू, पर आज जैसे अब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हमें पता चलता है हमारी बात हुई नहीं है, तो हमारा मैसेज इंस्टेंटली पहुंच जाता है, और पहले ऐसा होता नहीं था, तो कई बार मैसेज बहुत टाइम लगता था और पहुंचता था, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती थी। टिल अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ सालों पहले ही लेटर्स वर द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिर्फ लेटर या चिट्ठी से ही हमारी इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेट कर सकते थे। नाउडेज, पर आजकल वी हैव मैनी डिफरेंट मीन्स ऑफ, पर आज हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मीन्स हैं किसके, कम्युनिकेशन के। पीपल स्टिल राइट लेटर्स, पर लेटर्स आज भी लिखे जाते हैं टू वन अनादर, एंड वी कैन सेंड देम थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पर लेटर आज भी यूज़ हो रहे हैं, और हम क्या करते हैं लेटर को किससे सेंड करते हैं, पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं। वी हैव फॉलो द स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है नेक्स्ट पेज पर ताकि हम लेटर सेंड कर सकें। तो सबसे पहले क्या क्या स्टेप है, आपको राइट अ लेटर, सबसे पहले आप लेटर को लिखिए, देन पुट इट इन द एनवलप, फिर आप उसे एनवलप में पैक कीजिए और उसे सील कर दीजिए, चिपका दीजिए। अब उसके बाद आपका राइट द एड्रेस, आपको क्या लिखना है, एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है उसका पता, उसके गांव का नाम, उसकी गली का नाम, उसके घर का नाम। ऑफ द रिसीवर, जिसको आपको लेटर भेजना है उसका एड्रेस लिखना है ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर। एंड ऑल्सो स्टिक अ स्टैम्प, और आपको क्या लगाना है, स्टैम्प ऑन द एनवलप। स्टैम्प क्या होती है बच्चों, टिकट होता है, मतलब एक टोकन अमाउंट होती है जो पोस्ट ऑफिस वाले लेते हैं, उसको आपको एक स्लिप देते हैं या टोकन देते हैं, उसे आप पैस कर दोगे तो आपने उसकी क्या पैसे पे कर दिए हैं, जिससे वो लेटर वहाँ से वहाँ चला जाएगा, उसका किराया दे दिया है। ड्रॉप द लेटर इन टू द लेटर बॉक्स, आपको लेटर कहाँ डालना है, लेटर बॉक्स में डालना है। अ पोस्टमैन विल कलेक्ट ऑल द लेटर्स, पोस्टमैन क्या करता है, सारे लेटर्स को कलेक्ट कर लेता है, ऑल द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स से, एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस, कहाँ लेता है, पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्ट ऑफिस क्या करता है, एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स विल बी शॉर्टेड, लेटर्स को छांटा जाता है और देखा जाता है कि भाई कौन से, उसका एड्रेस पढ़कर भाई ये कौन से इलाके में जाएगा, फिर उसको कहते हैं, तो जो उस तरफ जा रहा है या उस तरफ का जो डिपार्टमेंट है उसको सेंड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पोस्टमैन विल देन डिलीवर, फिर उसके बाद पोस्टमैन
ये जिस पोस्टमैन के पास आता है वो डिलीवर करने आता है, देने आता है ईच लेटर टू द एड्रेस रिटन ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे जो एड्रेस लिखा होता है वो। और बच्चों पोस्टमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डाकिया। व्हाट हैपन्स टू द लेटर आफ्टर यू हैव पोस्टेड इट? जब आप पोस्ट करते हो तो क्या होता है? लेटर जहाँ आपने पोस्ट किया है वो वहाँ चला जाता है। अब आजकल क्या है, हम इतना वेट नहीं करना होता, छुटकियों में हमारा मेल या लेटर चला जाता है। तो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हैं दीज डेज। आजकल वी हैव मच फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम बात करने की या अपना मैसेज देने के लिए बहुत सारे फास्ट मीन हैं। वी कैन कम्युनिकेट थ्रू इंटरनेट, हम इंटरनेट से, बाय सेंडिंग ईमेल से, और कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इनसे हम हमारा मैसेज सेंड कर सकते हैं। दिस रीचेज द रिसीवर विद इन द सेकेंड, और ये रिसीवर वाले के पास, मतलब जिसको हमसे बात करनी है उसे सेकेंड्स, चुटकियों में वहाँ पहुँच जाता है। वी कैन टॉक टू द पीपल इंस्टेंटली, हम साथ साथ पीपल से बात कर सकते हैं, और किस पे? टेलीफोन पे। वी कैन टॉक, हम बात भी कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं टू द मोबाइल फ़ोन, और आजकल तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। टेलीफोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये क्या है, ये फास्ट मीन है, मतलब बहुत जल्दी से हमारा मैसेज दूसरे तक पहुँचा देते हैं। आपके पास पिक्चर्स भी रखी हैं बच्चों कि क्या क्या है, तो अ टेलीफोन, अ मोबाइल फ़ोन, अ लैपटॉप, अ टैबलेट। अब बात करें हम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अदर मीन्स मतलब जो हम पर्सनली बात नहीं कर रहे पर इनसे हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है तो उसे हम कम्युनिकेशन बोलेंगे ही से। तो अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और भी हैं विच टेल अस, जो हमें बताते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में क्या क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न गिव्स अस द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ये हमें लेटेस्ट न्यूज़ देते हैं आसपास के वर्ल्ड से। वी ऑल्सो वॉच प्रोग्राम्स, हम प्रोग्राम देखते हैं ऑन द टेलीविज़न, एंड लिसन टू रेडियो, हम प्रोग्राम्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, एंड लिसन टू रेडियो, रेडियो पे हम प्रोग्राम भी सुनते हैं टू शो आर एंटरटेनमेंट, इससे हमें एंटरटेनमेंट भी होता है और हमें कम्युनिकेशन भी होता है। अ न्यूज़पेपर, अ रेडियो, अ टेलीविज़न, विच ऑफ दिस रेडियो और टेलीविज़न इज़ द चीपर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, आपको पता करना है कि कौन सा सबसे चीपर है, रेडियो या टेलीविज़न। तो रेडियो ज़्यादा सस्ता है, आ भी सस्ता रहे 200-300-400 रुपए में, टेलीविज़न महंगा आएगा फिर उसका कनेक्शन, और रेडियो पे जो भी आएगा वो आपको फ्री में ही सुनने को मिलेगा। फॉर समवन हु डजंट नो हाउ टू रीड और राइट, और जो जिसको रीड करना और राइट नहीं आता उसके लिए रेडियो सुनना बहुत ईजी है। विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डू यू मोस्ट ऑफन, आप कौन सा कम्युनिकेशन ज़्यादा यूज़ करते हो? तो बच्चा आप क्या करते हो? फॉर टेलीफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक टू अदर, शेयर एंड थाट फीलिंग, गुड कम्युनिकेशन ब्रिंग पीपल क्लोज। अब यहाँ देखा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से बात करें, हमारे थाट्स बात करें, इससे कहते हैं लोगों के बीच में हमारा व्यवहार अच्छा बनता है और हम एक दूसरे क्लोज आते हैं।